नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर किसी के सामने सांप आ जाता है तो वो उसे दूरी बना लेता है, लेकिन कोरबा के झगरा गांव में एक व्यक्ति सांप को तकिया समझकर दो दिन तक उसी पर सोता रहा। गरिमत रही कि व्यक्ति को कुछ हुआ नहीं। वो कहते हैं ना कि जागोरा के साईया मार सके ना कोई। आज ये कहावत फिर सच साबित हुई है। बता दें कि झगरा गांव के एक घर में दो दिन से एक व्यक्ति अजगर सांप को तकिया समझकर सोता रहा। दरअसल पिछली दो रातों से एक व्यक्ति अपने सिरहाने में चादर के नीचे नर्म और आरामदायक तकिया पाकर चैन की नींद सोता रहा। पहली रात उसे अपने लिए एक नया तकिया अच्छा लगा और फिर दूसरी बार आपको बता दें कि जब वो सोने गया तो उसमें कुल बुलाहट सी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो उसी को तकिए को समझकर सोता रहा। जब सुबह हुई तो घर के लोगों ने पूछा और चादर हटाकर देखा तो सब हैरान रह गए। उस वक्त जो नजारा दिखाई दिया सबके होश उड़ गए। वो चादर के नीचे छिपा अजगर को ही तकिया समझकर सोता रहा। इस घटना के तुरंत बाद ही स्नेक रेस्क्यू टीम को खबर दी गई और उसे पकड़कर फिर रेस्क्यू टीम जंगल में छोड़ाई। आइए जरा आप इस वीडियो पर नजर डालें। सबसे पहले समझने वाली बात तो यह है कि ना जाने कब सांप बाहर से घर में घुसाया और अपने लिए नर्म और गर्म बिस्तर पाकर वो वहीं पर डेरा डाल के बैठ गया। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि सांप को तकिया समझकर भानु उसमें सिर रखकर बड़े ही आराम से सोता रहा और उसे पता तक नहीं चला। जैसे ही परिवार ने देखा कि वहां एक अजगर है, उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। आसपास के लोगों को जानकारी मिली तो उनके भी होश उड़ गए और वो इस बात पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे। फिर आपको बता दें कि स्नेक रेस्क्यू टीम काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर 6 फीट के अजगर को काबू में कर उसको जंगल में छोड़ दिया गया। इस हैरतअंगेज खबर पर अपनी राय क्या है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।